Next question. Angular resolution of a 10 centimeter diameter telescope at a wavelength of 5000 angstrom is of the order of, और हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं. नाउ बहुत ही सिंपल सवाल है. ये बात अपने को पता है कि एंगुलर रेजोल्यूशन जो होता है टेलीस्कोप की, जब हम बात करते हैं उसको एंगुलर रेजोल्यूशन को हम लिखते हैं 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय डी. और यहाँ पे सारा डेटा दे रखा है, वैल्यू रख के अपनी आंसर वैल्यू रख के अपने को यहाँ पे आंसर मिल जाएगा. सो ये हो गया 1.22 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, जो अपने को दिया है वो है 5000 एंगस्ट्रॉम. सो ये हो जाएगा 5000 मल्टीप्लाइड बाय 10^-2. डी जो दिया है वो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है. सो उसको हम लिख सकते हैं 10^-10^-2. इसको हमें रिजॉल्व करना है. सो 5 मल्टीप्लाइड बाय, जब हम इसको 22 से करेंगे तो ये आ जाएगा 6.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी अगर पावर देखें तो नीचे बचेगा -1 9, ये हो गया 8 7 6 10^-6. सो इसका आंसर हो जाना चाहिए. सो इसका जो ऑर्डर आएगा 10^ जो हो जाएगा आपका डेल्टा थीटा का, वो 10^-6 के ऑर्डर में हो जाएगा. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी 10^-6 वुड बी द राइट आंसर.